चलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो हम लोग दुर्ग स्टेशन के बाहर घूम रहे हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल अपन आपको एक जगह चलते हैं, ले चलते हैं और आपको सीन दिखलाते हैं। सस्पेंस है, थोड़ा सा वीडियो में बने रहो। हाँ तो मैं आपको दिखलाता हूँ आज का काम, मतलब आज का तैयारी चल रहा है। आज है 23 तारीख, तो तैयारी चल रहा है। पंडित मिश्रा जी आने वाले, प्रदीप मिश्रा जी जो कि रायपुर में आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए जो तैयारी चल रहा है, तैयारी कुछ इस टाइप का है। ये देखो, ये ट्रस्ट ट्रस्ट उतर रहा है गाड़ी से और ये ट्रेलर में रहेगा। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग का ट्रेन अभी भी लेट है, तो चलते हैं। और फिर अपन जा कहाँ रहे हैं अभी भी नहीं बताऊंगा मैं। जब हम लोग जाएंगे तो देखोगे कुछ है, कुछ स्पेशल है, तो अपन चलते हैं। ये गाड़ी, तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद 2-3 घंटा वेट करेंगे। हमारे साथ हैं एजाज भाई, 5 स्टार। हेलो, कैसे भाई? बिलासपुर में अच्छा तगड़ा काम करके आ रहे हैं, कैसा लगा? एकदम मज़ा आया बिलासपुर में काम करने में। मज़ा आया ना? मज़ा आ गया। चलो ठीक है भाई, अभी आने वाले समय और काम करेंगे। अभी भाई धीरे धीरे अब मार्केट में आ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ठीक है, अपन मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोग से। तो हम लोग आ रहे थे पैदल, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग स्टेशन आ रहे थे, हम लोग ट्रेन अभी 4-5 घंटा लेट है। तो हम लोग क्या हुआ ना, हम लोग पैदल आ रहे थे, तो हमको मिल गया करण भैया, और करण भैया को मैं सन्नी भैया बोलता हूँ। तो करण भैया मिल गए हम लोग को, तो वो क्या किए, हम लोग बोले भाई हमको छोड़ के आऊँगा, और मेरा गाड़ी क्या है, मैं पार्किंग में यहाँ पर पहले ही खड़ा कर दिया था। तो मैं हम लोग पैदल चले गए हम लोग कहाँ, ये रणजीत पार्क चौक। तो उसके बाद होता ये है सीन कि हमको मिल गया करण भैया। तो करण भैया बोलते हैं भाई पैदल क्यों जाओगे। तो करण भैया हम लोग को, दो लोग को जो बैठा के कहीं जा रहे थे करण भैया, उनको उतार दिए भाई लोग को बीच में, और हम लोग को लेके स्टेशन छोड़ने आए हैं। इसके लिए करण भैया शुक्रिया। मैं आप लोग को बोलता हूँ भैया शुक्रिया, जो आप लोग बैठ गए ना भाई। नहीं, आप नहीं, लोग कभी का माल मिलते हो ना भैया। अब तो भाई लोगों का देखो फोन ही चाह रहा है, चाहता हूँ लोगों के भी। अब एक मिनट रुक जाओ, बताओ प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बताइए, आ रहे हैं आपके रायपुर शहर में, आ रहे हैं अमलेश्वर में, उनका तो माहौल अलग ही रहता है। आना सब के सब, जो जो भाई का देखते हो, और लोग इधर उधर शेयर करना, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ का काम है, उनकी रैली निकली जाएगी, बोला भाव भी रहेगा। और हो सके तो मैं भी जाऊंगा अगर समय से मैं पहुंच गया। अरे आएंगे ही। अच्छा आएंगे ना, हो सके तो नहीं, भाई को आना ही चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा, क्या है ना, मैं मेरे को भी जाने का मन था, लेकिन आज का जो हम लोग प्रोग्राम बनाया ना, बहुत अचानक भयानक बना है। तो हम लोग भी सोचे हैं जाने के लिए, अगर अपन सही टाइम पे आ गए, अपना ट्रेन सही रहा, तो हम लोग 25 को आ जाएंगे ना भाई, 25 को हम लोग वापस ना, 25 को आ जाएंगे, दिन भर रहेंगे और 26 को फिर वापस आ जाएंगे सेम टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं। ठीक है, ठीक करण भैया, लो फिर हमारे सन्नी भैया, ठीक ठीक लगाना भैया, फोन लगाते हैं भाई। ठीक ठीक चल चले भाई, अंदर चले चले। हर घंटे मैसेज तो भेज रहे थे अब भाई, 1:10 हो रहा है, और एक बार हम लोग नागपुर जा रहे थे आज से 2 साल पहले, तो सेम कंडीशन था। तो इस वक्त भी हम लोग साथ कुछ ऐसा ही सीन है, क्या बोलोगे यार, ट्रेन भी ना कुछ बोलना चाहो भाई इंडियन रेलवे के बारे में, दो शब्द तारीफ। इंडियन रेलवे के ऊपर कोई तारीफ नहीं है, कोई तारीफ नहीं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ट्रेन के इंतजारे में कुछ लग गया है नींद, मैं सो रहा हूँ भाई के भरोसे। भाई सोना मत, दोनों भाई सो जाएंगे तो पता चला गायब। तो ठीक है, अब जब नींद खुलेगा तब मिलता हूँ आपसे, ट्रेन आएगा तब मिलूँगा। अब सोता हूँ एकदम भयंकर वाला नींद आ रहा है, घर में रहोगे तो नींद नहीं आता भाई, इतना मुझे रात में आता है भाई नहीं। अरे बाहर में निकलता हूँ कहीं जाना रहता है, खतरनाक नींद पड़ता है मेरे को। तो अब मैं सोता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। अब बज चुका है 2:37। कहाँ भाई अपना, कहाँ पहुँचा अपना गाड़ी? अरे ये तो वहीं खड़ा है, कहाँ पर? VR कॉलोनी PH, रायपुर पहुंचने वाला है। रायपुर पहुंचने वाला है? हाँ। तो 1 घंटा पहले बताए थे भाई, अभी भी वही है ना। बड़ा कहानी है यार, तकलीफ है यार, बड़ा तकलीफ है। चलो मिलते हैं यार, अब ट्रेन में बैठेंगे तब मिल जाए, मुलाकात होगा आपसे। बाकी 3 मिनट बाकी है। ठीक है, तो अभी हो रहा है 3:40 और इतना बजे हम लोग को मतलब पहुँचना था वहाँ, उतना बजे हमारी ट्रेन आ रही है। चलो फिर अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा
अभी हो रहा है